भी जब लगातार सूखा पड़ता है तो पानी संग्रह के जो स्थान होते हैं वो भी कम पड़ जाते हैं। कभी कभार एंक्रोचमेंट के कारण, सिल्टिंग के कारण, पानी आने के जो प्रवाह है उसमें रुकावटों के कारण जलाशय भी अपनी क्षमता से काफ़ी कम पानी संग्रहित करते हैं और सालों के क्रम के कारण उसकी संग्रह क्षमता भी कम हो जाती है। सूखे को निपटने के लिए, पानी के संकट से राहत के लिए सरकारें अपना प्रयास करें वो तो है, लेकिन मैंने देखा है कि नागरिक भी बहुत ही अच्छे प्रयास करते हैं। कई गांवों में जागरूकता देखी जाती है और पानी का मूल्य क्या है वो तो वही जानते हैं जिन्होंने पानी की तकलीफ झेली है, और इसलिए ऐसे जगह पे पानी के संबंध में एक संवेदनशीलता भी होती है और कुछ न कुछ करने की सक्रियता भी होती है। मुझे कुछ दिन पहले कोई बता रहा था कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के हिवरे बाजार ग्राम पंचायत और वहाँ के गांव वालों ने पानी को गांव का एक बहुत बड़ा संवेदनशील इशू के रूप में एड्रेस किया। जल संचय करने की इच्छा करने वाले तो कई गांव मिल जाते हैं, लेकिन इन्होंने तो किसानों के साथ बातचीत करके पूरी क्रॉपिंग पैटर्न बदल दी। ऐसी फसल जो सबसे ज़्यादा पानी उपयोग करती थी, चाहे गन्ना हो, केला हो, ऐसी फसलों को छोड़ने का निर्णय कर दिया। सुनने में बात बहुत सरल लगती है लेकिन इतनी सरल नहीं है। सबने मिलकर के कितना बड़ा संकल्प किया होगा। किसी कारखाना वाला पानी का उपयोग करता हो, कहोगे तुम कारखाना बंद करो क्योंकि पानी ज़्यादा लेते हो, तो क्या परिणाम आएगा आप जानते हैं। लेकिन ये मेरे किसान भाई देखिए, उनको लगा कि भाई गन्ना बहुत पानी लेता है तो गन्ना छोड़ो, उन्होंने छोड़ दिया और पूरा उन्होंने फ्रूट और वेजिटेबल जिसमें कम से कम पानी की ज़रूरत पड़ती है ऐसी फसलों पर चले गए। उन्होंने स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिचार्जिंग, इतने सारे इनिशिएटिव लिए कि आज गांव पानी के संकट के सामने जूझने के लिए अपनी ताकत पर खड़ा हो गया। ठीक, मैं एक छोटे से गांव हिवरे बाजार की चर्चा भले करता हूं, लेकिन ऐसे कई गांव होंगे। मैं ऐसी सभी गांव वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके इस उत्तम काम के लिए। मुझे किसी ने बताया कि मध्य प्रदेश में देवास जिले में गोरवा गांव पंचायत ने प्रयत्न करके फार्म पॉन्ड बनाने का अभियान चलाया। करीब 27 फार्म पॉन्ड्स बनाए और उसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल में बढ़ोतरी हुई, पानी ऊपर आया। जब भी पानी की ज़रूरत पड़ी फसल को, पानी मिला। और वो मोटा मोटा हिसाब बताते थे, करीब उनकी कृषि उत्पादन में 20% वृद्धि हुई। तो पानी तो बचा ही बचा, और जब पानी का वाटर टेबल ऊपर आता है तो पानी की क्वालिटी में भी बहुत सुधार होता है। और दुनिया में ऐसा कहते हैं, शुद्ध पीने का पानी जीडीपी ग्रोथ का कारण बन जाता है। स्वास्थ्य का तो बनता ही बनता है। कभी कभार तो लगता है कि जब भारत सरकार रेलवे से पानी लातूर पहुंचाती है तो दुनिया के लिए वो एक खबर बन जाती है। ये बात सही है कि जिस तेजी से रेलवे ने काम किया वो बधाई के पात्र तो है, लेकिन वो गांव वाले भी उतने ही बधाई के पात्र हैं। मैं तो कहूँगा उससे भी ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। लेकिन ऐसी अनेक योजनाएं नागरिकों के द्वारा चलते हैं वो कभी सामने नहीं आते हैं। सरकार की अच्छी बात तो कभी कभी सामने आ भी जाती है, लेकिन कभी हम अपने अगल बगल में देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि सूखे के खिलाफ किस किस प्रकार से लोग नए नए तौर तरीके से समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते रहते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कितने ही संकट से गुजरता हो लेकिन कहीं से कोई अच्छी खबर आ जाए तो जैसे पूरा संकट दूर हो गया ऐसा फील होता है। जब से ये जानकारी सार्वजनिक हुई कि इस बार वर्षा 106% से 110% तक होने की संभावना है, जैसे मानो एक बहुत बड़ा शांति का संदेश आ गया हो। अभी तो वर्षा आने में समय है।
लेकिन अच्छी वर्षा की खबर भी एक नई चेतना ले आई। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, अच्छी वर्षा होगी ये समाचार जितना आनंद देता है, उतना ही हम सबके लिए एक अवसर भी देता है, चुनौती भी देता है। क्या हम गांव-गांव पानी बचाने के लिए एक अभी से अभियान चला सकते हैं? किसानों को मिट्टी की जरूरत पड़ती है, खेत में वो फसल के नाते काम आती है, क्यों ना हम इस बार गांव के तालाबों से मिट्टी उठा उठा करके खेतों में ले जाएं, तो खेत की जमीन भी ठीक होगी तो उसकी जल संचय की ताकत भी बढ़ जाएगी। कभी सीमेंट के बोरे में, कभी फर्टिलाइजर के खाली बोरे में पत्थर और मिट्टी भर के जहाँ से पानी जाने के रास्ते हैं उस पानी को रोका जा सकता है क्या? 5 दिन पानी रुकेगा, 7 दिन पानी रुकेगा तो पानी जमीन में जाएगा, तो जमीन में पानी के लेवल ऊपर आएंगे, हमारे कुओं में पानी आएगा। जितना पानी हो सकता है रोकना चाहिए। वर्षा का पानी, गांव का पानी गांव में रहेगा, ये अगर हम संकल्प करके कुछ न कुछ करें, और ये सामूहिक प्रयत्नों से संभव है, तो आज भले पानी का संकट है, सूखे की स्थिति है, लेकिन आने वाला महीना 1.5 महीने का हमारे पास समय है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, कभी हम पोरबंदर महात्मा गांधी के जन्म स्थान पर जाएं, तो जो वहाँ अलग अलग स्थान हम देखते हैं, तो उसमें एक जगह वो भी देखने जैसी है कि वर्षा के पानी को बचाने के लिए घर के नीचे किस प्रकार के टैंक 200-200 साल पुराने बने हुए हैं, और वो पानी कितना शुद्ध रहता था। कोई श्रीमान कुमार कृष्णा, उन्होंने माय गॉव पर लिखा है और एक प्रकार से जिज्ञासा भी व्यक्त की है। वो कहते हैं कि हमारे रहते हुए कभी गंगा सफाई का अभियान संभव होगा क्या? उनकी चिंता बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि करीब करीब 30 साल से काम चल रहा है, कई सरकारें आई, कई योजनाएं बनी, ढेर सारा खर्चा भी हुआ, और इसके कारण भाई कुमार कृष्णा जैसे देश के करोड़ों लोगों के मन में ये सवाल होना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग धार्मिक आस्था में रहते हैं उनके लिए गंगा मोक्षदायिनी है, लेकिन मैं उस महात्मा को तो स्वीकार करूंगा ही, पर इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि गंगा ये जीवनदायिनी है। गंगा से हमें रोटी मिलती है, गंगा से हमें रोजी मिलती है, गंगा से हमें जीने की एक नई ताकत मिलती है। गंगा जैसे बहती हैं देश की आर्थिक गतिविधि को भी एक नई गति देती है। एक भागीरथ ने गंगा तो हमें ला करके दे दी, लेकिन बचाने के लिए करोड़ों करोड़ों भागीरथों की जरूरत है। जन भागीदारी के बिना एक काम कभी सफल हो ही नहीं सकता है, और इसलिए हम सब ने सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए एक चेंज एजेंट बनना पड़ेगा। बार बार बात को दोहराना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। सरकार की तरफ से कई सारे प्रयास चल रहे हैं, गंगा तट पर जो जो राज्य हैं उन राज्यों का भी भरपूर सहयोग लेने का प्रयास हो रहा है, सामाजिक स्वैच्छिक संगठनों को भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है, सरफेस क्लीनिंग और इंडस्ट्रियल प्रदूषण पर रोकने के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं। हर दिन गंगा में बड़ी मात्रा में नालों के रास्ते से ठोस कचरा बहकर के अंदर आता है, ऐसे कचरे को साफ करने के लिए वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, पटना ऐसे स्थानों पर ट्रैश स्कीमर पानी में तैरते तैरते कचरा साफ करने का काम करते हैं। सभी लोकल बॉडीज को ये मुहैया कराया गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि इसको लगातार चलाएं और वहीं से कचरा साफ करते चलें। और पिछले दिनों मुझे जो बताया गया कि जहां बड़ा अच्छे ढंग से प्रयास होता है, वहां तो 3 टन से 11 टन तक प्रतिदिन कचरा निकाला जाता है। तो ये तो बात सही है कि इतनी मात्रा में तो गंदगी बढ़ने से रुक ही रही है, आने वाले दिनों में और भी स्थानों पर ट्रेस स्कीमर लगाने की योजना है और उसका लाभ गंगा और यमुना तट के लोगों को तुरंत अनुभव भी होगा।
इंडस्ट्रियल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पल्प एंड पेपर डिस्टिलरी एवं सुगर इंडस्ट्री के साथ एक एक्शन प्लान बन गया है, कुछ मात्रा में लागू होना शुरू भी हुआ है। उसके भी अच्छे परिणाम निकलेंगे ऐसा अभी तो मुझे लग रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे ये बताया गया कि उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश, वहाँ जो डिस्टिलरी का जो डिस्चार्ज होता था, तो पिछले दिनों कुछ अफसर मुझे बता रहे थे कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की ओर उन्होंने सफलता पा ली है। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री या ब्लैक लीकर की निकासी लगभग पूरी तरह खत्म हो रही है। ये सारे इस बात के संकेत हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और एक जागरूकता भी बढ़ी है। और मैंने देखा है कि सिर्फ गंगा के तट के नहीं, दूर सुदूर दक्षिण का भी कोई व्यक्ति मिलता है तो जरूर कहता है कि साहब गंगा सफाई तो होगी ना। तो यही एक जो जन सामान्य की आस्था है वो गंगा सफाई में जरूर सफलता दिलाएगी। गंगा स्वच्छता के लिए लोग डोनेशन भी दे रहे हैं, एक काफ़ी अच्छे ढंग से इस व्यवस्था को चलाया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 24 अप्रैल है। भारत में इसे पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन पंचायती राज व्यवस्था का हमारे देश में आरंभ हुआ था। आज धीरे धीरे पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था हमारी लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती हम मना रहे थे और आज 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मना रहे हैं। ऐसा सुभग संयोग था जिस महापुरुष ने हमें भारत का संविधान दिया, उस दिन से लेकर के 24 तारीख जो कि संविधान की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी है वो हमारा गांव, दोनों को जोड़ने की प्रेरणा। और इसलिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग के साथ 14 अप्रैल से 24 अप्रैल 10 दिन ग्रामोदय से भारतोदय अभियान चलाया। ये मेरा सौभाग्य था कि 14 अप्रैल को बाबा साहब आम्बेडकर जी के जन्मदिन मुझे बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म स्थान मऊ, वहाँ जाने का अवसर मिला, उस पवित्र धरती को नमन करने का अवसर मिला। और आज 24 तारीख को मैं झारखंड में, जहाँ हमारे अधिकतम आदिवासी भाई बहन रहते हैं, उस प्रदेश में आज जाकर के पंचायती राज दिवस मनाने वाला हूँ। और दोपहर को 3 बजे फिर एक बार पंचायती राज दिवस पर मैं देश की सभी पंचायतों से बातचीत करने वाला हूँ। इस अभियान ने एक बहुत बड़ा जागरूकता का काम किया है। हिंदुस्तान के हर कोने में गांव के स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं कैसे मजबूत बने, गांव स्वयं आत्मनिर्भर कैसे बने, ग्राम स्वयं अपने विकास की योजना कैसे बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी महत्व हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी महत्व हो, गांव में ड्रॉप आउट ना हो, बच्चे स्कूल न छोड़ दें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफलतापूर्वक चले, बेटी का जन्मदिन गांव का महोत्सव बनना चाहिए, कई ऐसी योजनाएं, कुछ गांवों में तो फूड डोनेशन का कार्यक्रम हुआ। शायद ही एक साथ हिंदुस्तान के इतने गांवों में इतनी विविध कार्यक्रम 10 दिन चले हो, ये बहुत कम होता है। मैं सभी राज्य सरकारों को, ग्राम प्रधानों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने बहुत ही मौलिक तरीके से, नवीनता के साथ इस पूरे अवसर को गांव की भलाई के लिए, गांव के विकास के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक अवसर में परिवर्तित किया। गांवों में जो जागरूकता आई है वही तो भारत उदय की गारंटी है। भारत उदय का आधार ग्राम उदय ही है और इसलिए ग्राम उदय पर हम सब बल देते रहेंगे तो इच्छित परिणाम प्राप्त करके ही रहेंगे। मुंबई से शर्मिला धारपुरे, आपने मुझे फोन कॉल पर अपनी चिंता जताई है। प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं शर्मिला धारपुरे बोल रही हूँ मुंबई से। मेरा आपसे स्कूल और कॉलेज एजुकेशन के बारे में सवाल है, जिससे एजुकेशन सेक्टर में पिछले बहुत वर्षों से सुधार की जरूरत पाई गई है। पर्याप्त स्कूलों का या कॉलेजेस का न होना या फिर शिक्षा में एजुकेशन की क्वालिटी न होना, ऐसा पाया गया है कि बच्चे अपना एजुकेशन पूरा भी कर लेते हैं, उन्हें फिर भी अक्सर बेसिक चीजों के बारे में पता नहीं होता है, उससे हमारे बच्चे दुनिया की दौड़ में पीछे पड़ जाते हैं। इस बारे में आपके क्या विचार है
है और आप इस सेक्टर को किस तरह से इसमें सुधार लाना चाहते हैं, इसके बारे में कृपया हमें बताइए। धन्यवाद। ये चिंता बहुत स्वाभाविक है। आज हर परिवार में माँ बाप का अगर पहला कोई सपना रहता है तो वह रहता है बच्चों की अच्छी शिक्षा, घर गाड़ी सब बाद में विचार आता है। और भारत जैसे देश के लिए जन मन की ये भावना है वो बहुत बड़ी ताकत है। बच्चों को पढ़ाना और अच्छा पढ़ाना, अच्छी शिक्षा मिले उसकी चिंता होना, ये और अधिक बढ़ना चाहिए और अधिक जागरूकता आनी चाहिए। और मैं मानता हूँ जिस परिवारों में ये जागरूकता होती है उसका असर स्कूलों पर भी आता है, शिक्षकों पर भी आता है। और बच्चा भी जागरूक होता जाता है कि मैं स्कूल में इस काम के लिए जा रहा हूँ। और इसलिए मैं सभी अभिभावकों से, माँ बाप से सबसे पहले ये आग्रह करूँगा कि बच्चे के साथ स्कूल की हो रही गतिविधियों से विस्तार से समय दे करके बातें करें, और कुछ बात ध्यान में आए तो खुद स्कूल में जा करके शिक्षकों से बात करें। ये जो विजिलेंस है ये भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में कई बुराइयों को कम कर सकता है, और जन भागीदारी से तो ये होना ही होना है। हमारे देश में सभी सरकारों ने शिक्षा पर बल दिया है और हर कोई सरकार ने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किया है। और ये भी सच्चाई है कि काफी अरसे तक हम लोगों का ध्यान इसी बात पे रहा कि शिक्षा संस्थान खड़े हो, शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, स्कूल बने, कॉलेजेस बने, टीचर्स की भर्ती हो, अधिकतम बच्चे स्कूल आए। तो एक प्रकार से शिक्षा को चारों तरफ फैलाने का प्रयास ये प्राथमिकता रही और जरूरी भी था। लेकिन अब जितना महत्व विस्तार का है उससे भी ज़्यादा महत्व हमारी शिक्षा में सुधार का है। विस्तार का एक बहुत बड़ा काम हम कर चुके हैं, अब हमें क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना ही होगा। साक्षरता अभियान से अब अच्छी शिक्षा ये हमारी प्राथमिकता बनानी पड़ेगी। अब तक हिसाब किताब आउटले का होता था, अब हमें आउटकम पर ही फोकस करना पड़ेगा। अब तक स्कूल में कितने आए उस पर बल था, अब स्कूलिंग से ज़्यादा लर्निंग की ओर हमें बल देना होगा। एनरोलमेंट 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 ये मंत्र लगातार गूंजता रहा, लेकिन अब जो बच्चे स्कूल में पहुंचे हैं उनको अच्छी शिक्षा, योग्य शिक्षा, इसी पर हमने ध्यान केंद्रित करना होगा। वर्तमान सरकार का बजट भी आपने देखा होगा, अच्छी शिक्षा पर बल देने का प्रयास हो रहा है। ये बात सही है कि बहुत बड़ी लंबी सफर काटनी है, लेकिन अगर हम 125 करोड़ देशवासी तय करें तो लंबी सफर भी कट सकती है। लेकिन शर्मिला जी की बात सही है कि हमें आमूलचूल सुधार लाने की जरूरत है। इस बार बजट में आपने देखा होगा एक लीक से हटकर के काम किया गया है। बजट के अंदर 10 सरकारी यूनिवर्सिटी और 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनको सरकारी बंधनों से मुक्ति देने का और चैलेंज रूट पर उनको आने के लिए कहा है, आइए आप टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी बनने के लिए क्या करना चाहते हैं बताइए। उनको खुली छूट देने के इरादे से योजना रखी गई है। भारत की यूनिवर्सिटी भी वैश्विक स्पर्धा करने वाली यूनिवर्सिटी बन सकती है, बनानी भी चाहिए। इसके साथ साथ जितना महत्व शिक्षा का है उतना ही महत्व स्किल का है। उसी प्रकार से शिक्षा में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ये हमारे शिक्षा को सरल भी बनाएगी और ये बहुत ही निकट भविष्य में इसके परिणाम नजर आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बड़े लंबे समय से एक विषय पर लोग मुझे पूछते रहते हैं, कुछ लोग वेब पोर्टल माई गॉव पर लिखते हैं, कुछ लोग मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखते हैं और ज़्यादातर ये नौजवान लिखते हैं। प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं मोना कर्णवाल बोल रही हूँ बिजनौर से। आज के ज़माने में युवाओं के लिए पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी बहुत महत्व है। उनमें टीम स्पिरिट की भावना भी होनी चाहिए और अच्छे लीडर होने के गुण भी होने चाहिए जिससे कि उनका ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी भारत काउंसिल गाइड्स में रह चुकी हूँ और इसका मेरे जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मोटिवेट करें। मैं चाहती हूँ कि सरकार भी ज्यादा से ज्यादा NCC, NSS और भारत काउंसिल गाइड्स को प्रमोट करें। आप लोग मुझे इतने सुझाव भेजते रहते थे तो एक दिन मुझे भी करने लगेगा भी मैं आप लोगों से बात करूं, उसके पहले एक बार मैं इन सब से बातचीत करूं।
तो आप ही लोगों का दबाव था, आप ही लोगों के सुझाव थे, उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने ऐसी एक अभी मीटिंग बुलाई जिसमें एनसीसी के मुखिया थे, एनएसएस के थे, स्काउट एंड गाइड के थे, रेड क्रॉस के थे, नेहरू युवा केंद्र के थे। और जब मैंने उनको पूछा कि पहले कब मिले, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, हम तो देश आज़ाद होने के बाद इस प्रकार की मीटिंग पहली हुई है। तो मैं सबसे पहले तो उन युवा मित्रों का अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर दबाव डाला इन सारे कामों के संबंध में, और उसी का परिणाम है कि मैंने मीटिंग की और मुझे लगा कि अच्छा हुआ कि मैं मिला। बहुत कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता लगी मुझे, अपने अपने तरीके से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अगर सामूहिक रूप से, संगठित रूप से हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के संगठन काम करें तो कितना बड़ा परिणाम दे सकते हैं और कितने बड़ा फैलाव है उनका, कितने परिवारों तक ये पहुँचे हुए हैं। तो मुझे इनका व्याप देख करके तो बड़ा ही समाधान हुआ, और उनका उमंग भी बहुत था, कुछ न कुछ करना था। और ये तो बात सही है, तो मैं तो स्वयं ही एनसीसी का कैडेट रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि ऐसे संगठनों से एक नई दृष्टि मिलती है, प्रेरणा मिलती है, एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण पनपता है। तो मुझे तो बचपन में वो लाभ मिला ही मिला है, और मैं भी मानता हूँ कि इन संगठनों में एक नया प्राण भरना चाहिए, नई ताकत भरनी चाहिए। इस बार मैंने उनके सामने कुछ रखे हैं विषय, मैंने उनको कहा है कि भाई इस सीजन में जल संचय का बड़ा काम हमारी युवा सारे संगठन क्यों ना करें, हम लोग प्रयास करके कितने ब्लॉक, कितने जिले खुले में शौच जाना बंद करवा सकते हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री कैसे कर सकते हैं, देश को जोड़ने के लिए ऐसे कौन से कार्यक्रमों की रचना कर सकते हैं, हम सभी संगठनों के कॉमन युवा गीत क्या हो सकता है, कई बातें उनके साथ हुई है। मैं आज आपसे भी आग्रह करता हूँ, आप भी मुझे बताइए, बहुत परफेक्ट सुझाव बताइए कि हमारे अनेक अनेक युवा संगठन चलते हैं, उनके कार्यशैली कार्यक्रम में क्या नई चीज़ें जोड़ सकते हैं। मेरे नरेंद्र मोदी ऐप पर आप लिखोगे तो मैं उचित जगह पर पहुंचा दूंगा, और मैं मानता हूं कि इस मीटिंग के बाद काफ़ी कुछ में गति आएगी, ऐसा तो मुझे लग रहा है, और आपको भी उसके साथ जुड़ने का मन करेगा, ऐसी स्थिति तो बनी जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सबको सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात मुझे करनी है, मैं इसे हम लोगों को झकझोरने वाली बात के रूप में भी देखता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे देश की राजनीतिक अवस्था ऐसी है कि पिछले कई चुनावों में इस बात की चर्चा हुआ करती थी कि कौन पार्टी कितने गैस के सिलेंडर देगी, 12 सिलेंडर कि 9 सिलेंडर, ये चुनाव का बड़ा मुद्दा हुआ करता था। और हर राजनीतिक दल को लगता था कि मध्यम वर्गीय समाज को चुनाव की दृष्टि से पहुंचना है तो गैस सिलेंडर एक बहुत बड़ा इश्यू है। दूसरी तरफ अर्थशास्त्रियों का दबाव रहता था कि सब्सिडी कम करो, और उसके कारण कई कमेटियां बैठती थी जिसमें गैस की सब्सिडी कम करने पर बहुत बड़े प्रस्ताव आते थे, सुझाव आते थे, इन कमेटियों के पीछे करोड़ों रुपये के खर्च होते थे, लेकिन बात वहीं की वहीं रह जाती थी। ये अनुभव सबका है, लेकिन इसके बाहर कभी सोचा नहीं गया। आज मेरे देशवासियों, आप सबको मेरा हिसाब देते हुए मुझे आनंद होता है कि मैंने एक तीसरा रास्ता चुना, और वो रास्ता था जनता जनार्दन पर भरोसा करने का। कभी कभी हम राजनेताओं को भी अपने से ज्यादा अपनों पर भरोसा करना चाहिए। मैंने जनता जनार्दन पर भरोसा करके ऐसे ही बातों बातों में कहा था कि अगर आप साल भर के 1500-2000 रुपया खर्च का बोझ सहन कर सकते हैं तो आप गैस सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ देते, किसी गरीब के काम आएगी, ऐसे ही मैंने बात कही थी। लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, मुझे नाज हो रहा है मेरे देशवासियों पर, 1 करोड़ परिवारों ने स्वेच्छा से अपनी गैस सब्सिडी सरेंडर कर दी। और ये 1 करोड़ परिवार अमीर नहीं है, मैं देख रहा हूँ कोई रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड क्लार्क, कोई किसान, कोई छोटा सा दुकान चलाने वाला, ऐसे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हैं जिन्होंने छोड़ा। दूसरी विशेषता देखिए कि सब्सिडी छोड़ने के लिए मोबाइल फोन के ऐप से कर सकते थे, ऑनलाइन कर सकते थे, टेलीफोन पर मिस कॉल करके कर सकते थे, बहुत तरीके थे। लेकिन हिसाब लगाया गया तो पता चला कि इन 1 करोड़ परिवारों में
80% से ज्यादा लोग वो थे जो स्वयं डिस्ट्रीब्यूटर के यहां खुद गए, कतार में खड़े रहे और लिखित में देकर के उन्होंने अपनी सब्सिडी सरेंडर कर दी। मेरे प्यारे देशवासियों, ये छोटी बात नहीं है। सरकार अगर कोई एक टैक्स में थोड़ी सी भी रियायत दे दे, छूट दे दे, तो हफ्ते भर टीवी और अखबारों में उस सरकार की वाहवाही सुनाई देती है। 1 करोड़ परिवारों ने सब्सिडी छोड़ दी और हमारे देश में सब्सिडी एक प्रकार से हक बन गया है, उसे छोड़ दिया। मैं सबसे पहले उन 1 करोड़ परिवारों को शत शत नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने राजनेताओं को नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इस एक घटना ने देश के अर्थशास्त्रियों को भी नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है और दुनिया के अर्थवेत्ता भी ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा निकलेगा, इस प्रकार जो आर्थिक समीकरण बनाते हैं, उनके लिए भी उनकी सोच की मर्यादाओं से बाहर की यह घटना है, इस पर कभी न कभी सोचना पड़ेगा। 1 करोड़ परिवारों का सब्सिडी छोड़ना, बदले में करोड़ों गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मिलना, 1 करोड़ परिवारों का सब्सिडी छोड़ने से रुपयों का बचत होना, ये बहरे दृष्टि से बहुत सामान्य बातें हैं। असामान्य बात यह है कि जनता पर भरोसा रख करके काम करें तो कितनी बड़ी सिद्धि मिलती है। मैं खास करके पूरे पॉलिटिकल क्लास को आज आग्रह से कहना चाहूंगा कि हम हर जगह पर जनता पर भरोसा रखने वाली एक बात जरूर करें। आपने कभी सोचा नहीं होगा वैसा परिणाम हमें मिलेगा और हमें इस दिशा में जाना चाहिए। और मुझे तो लगातार लगता है कि जैसे मेरे मन में आया कि ये वर्ग 3 और 4 के इंटरव्यू क्यों करें भाई, जो अपना एग्जाम देकर के मार्क्स भेज रहा है उस पर भरोसा करें। कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि हम कभी घोषित करें कि आज रेलवे की वो जो रूट है उसमें कोई टिकट चेकर नहीं रहेगा। देखे तो देश की जनता पर हम भरोसा करें, बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। एक बार देश की जनता पर हम भरोसा करें तो अप्रतिम परिणाम मिल सकते हैं। खैर, ये तो मेरे मन के विचार हैं, इसको कोई सरकार का नियम तो नहीं बना सकते, लेकिन माहौल तो बना सकते हैं। और ये माहौल कोई राजनेता नहीं बना रहा है, देश के 1 करोड़ परिवारों ने बना दिया है। रवि करके किसी सज्जन ने मुझे पत्र लिखा है, गुड न्यूज एवरी डे। वो लिख रहे हैं कि कृपया अपने अधिकारियों से कहिए कि हर दिन कोई एक अच्छी घटना के बारे में पोस्ट करें। प्रत्येक न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल में हर ब्रेकिंग न्यूज बुरी न्यूज ही होती है। क्या 125 करोड़ आबादी वाले देश में हमारे आसपास कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है? कृपया इस हालत को बदलिए। रवि जी ने बड़ा गुस्सा व्यक्त किया है, लेकिन मैं मानता हूँ वो शायद मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, हालात पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको याद होगा भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमेशा ये बात कहते थे कि अखबार के पहले पन्ने पर सिर्फ पॉजिटिव खबरें छापिए। वे लगातार इस बात को कहते रहते थे। कुछ दिन पहले मुझे एक अखबार ने चिट्ठी भी लिखी थी, उन्होंने कहा था कि हमने तय किया है कि सोमवार को हम एक भी नेगेटिव खबर नहीं देंगे, पॉजिटिव खबर ही देंगे। इन दिनों मैंने देखा है कुछ TV चैनल पॉजिटिव खबरों का समय स्पेशली तय करके दे रही है। तो ये तो सही है कि इन दिनों अब माहौल बना है पॉजिटिव खबरों का और हर किसी को लग रहा है कि सही खबरें, अच्छी खबरें लोगों को मिलती रहे। एक बात सही है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उत्तम से उत्तम बात बताएं, अच्छे से अच्छे शब्दों में बताएं, बढ़िया से बढ़िया तरीके से बताएं, उसका जितना प्रभाव होता है उससे ज्यादा कोई अच्छी खबर का होता है। अच्छी खबर अच्छा करने की प्रेरणा का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो ये तो सही है कि जितना हम अच्छाई को बल देंगे तो अपने आप में बुराइयों के लिए जगह कम रहेगी। अगर दिया जलाएंगे तो अंधेरा छटेगा ही छटेगा ही छटेगा ही। और इसलिए आपको शायद मालूम होगा, सरकार की तरफ से एक वेबसाइट चलाई जा रही है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस पर सकारात्मक खबरें होती है और सिर्फ सरकार की नहीं, जनता की भी होती है।
और ये एक ऐसा पोर्टल है कि आप भी अपनी कोई अच्छी खबर है तो उसमें आप भेज सकते हैं, आप भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा सुझाव रवि जी आपने दिया है, लेकिन कृपा करके मुझ पर गुस्सा मत कीजिए, हम सब मिलकर के पॉजिटिव करने का प्रयास करें, पॉजिटिव बोलने का प्रयास करें, पॉजिटिव पहुंचाने का प्रयास करें। हमारे देश की विशेषता है कुंभ मेला, कुंभ मेला टूरिज्म के आकर्षण का भी केंद्र बन सकता है। दुनिया के बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि इतने लंबे समय तक नदी के तट पर करोड़ों करोड़ों लोग आए, शांत चित्त शांतिपूर्ण वातावरण में अवसर संपन्न हो, ये घटनाएं अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से, इवेंट मैनेजमेंट की दृष्टि से, जन भागीदारी की दृष्टि से बहुत बड़े नए मानक सिद्ध करने वाली होती है। पिछले दो दिन से मैं देख रहा हूं कि कई लोग सिंहस्थ कुंभ की तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट, राज्य सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट इसकी कंपटीशन करे, फोटो कंपटीशन, और लोगों को कहे कि बढ़िया से बढ़िया फोटो निकाल करके आप अपलोड कीजिए। कैसा एकदम से माहौल बन जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि कुंभ मेले के हर कोने में कितनी विविधताओं से भरी हुई चीजें चल रही हैं। तो जरूर इसको किया जा सकता है। लेकिन ये बात सही है, मुझे बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मिले थे, वो बता रहे थे कि हमने स्वच्छता पर विशेष बल दिया है, और स्वच्छता वहीं रहे ऐसा नहीं, वहां से लोग स्वच्छता का संदेश भी लेके जाए। मैं मानता हूं ये कुंभ मेला भले धार्मिक आध्यात्मिक मेला हो, लेकिन हम उसको एक सामाजिक अवसर भी बना सकते हैं, संस्कार का अवसर भी बना सकते हैं। वहां से अच्छे संकल्प, अच्छी आदतें लेकर के गांव-गांव पहुंचाने का एक कारण भी बन सकता है। हम कुंभ मेले से पानी के प्रति प्यार कैसे बढ़े, जल के प्रति आस्था कैसे बढ़े, जल संचय का संदेश देने में कैसे इस कुंभ मेले का भी उपयोग कर सकते हैं, हमने करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, पंचायत राज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर शाम को तो मैं आपको फिर से एक बार मिलूंगा ही मिलूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हर हमेशा की तरह आपके मन की बात ने मेरे मन की बात के साथ एक अटूट नाता जोड़ा है, इसका मुझे आनंद है। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र